हाय गाइस नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आती है तो। राइट, सो हिंदी में पिकअप आयल रीडिंग है। टैरो से हमारा सवाल है आज का ये कि आपका ये जो करंट रिलेशनशिप है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ स्ट्रगल्स चल रही हैं, तो ये कब तक सुधरेगा, ये सिचुएशन जो है आपके लिए कब तक बेटर होगी। ओके, सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सो दीज आर द थ्री कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। तीन ऑप्शंस हैं आपके सामने। दिस इज ऑप्शन नंबर वन, कार्ड नंबर वन शाइन, कार्ड नंबर टू टेक द लीड एंड कार्ड नंबर थ्री ब्लॉसम। इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करता है, आप प्लीज वो कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। चाहें तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए एंड इंट्यूटिवली इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पे आपकी रीडिंग शुरू होने वाली है। कार्ड नंबर वन शाइन, कार्ड नंबर टू टेक द लीड एंड कार्ड नंबर थ्री ब्लॉसम। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। रीडिंग शुरू करते हैं कार्ड नंबर वन के साथ। हेलो ग्रुप नंबर वन, जिन्होंने शाइन का कार्ड सिलेक्ट किया है, गाइस देख लेते हैं पहले आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। चैलेंजिंग टाइम्स, ओके, देन वी हैव मैनिफेस्ट, डेडिकेटेड एफर्ट, बेस चक्र, एंड लव अबाउंड्स। ओके, सो इवन द स्टोन दैट आई हैव केप्ट हियर इज फॉर बेस चक्र एंड कार्ड भी बेस चक्र का ही आ गया है। सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग अबाउट द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है, आपके रिलेशनशिप की जहां से शुरुआत हुई है वहां पे कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है जो कि सॉर्ट आउट नहीं हुई है। एंड ओरेकल की तरफ से जो मैसेज आया है, डेडिकेटेड एफर्ट, चैलेंजिंग टाइम्स, मैनिफेस्ट, लव अबाउंड, सो आपको दोनों को ही मिलके इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा करना है, यू नो, कुछ और एफर्ट्स डालने की जरूरत है दोनों को ही, तभी जाके रिलेशनशिप जो है वो आगे जाके स्टेबल होगा। मैनिफेस्ट करना है मुझे जहां तक फील हो रहा है। ग्रुप नंबर वन, आपका ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, ये कार्मिक नहीं है, लाइक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, तो सोलमेट कनेक्शन। ओके, सो नो मैटर व्हाट, भले ही जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, भले ही मुश्किल टाइम अभी चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड आया है, फिर भी देर इज एन इमोशनल कनेक्ट। अभी भी इमोशनली कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से बहुत ही डीप लेवल पर जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। ओके, लेकिन कुछ शुरुआत में, रिश्ते की शुरुआत में कुछ चीजें थी जो शायद आप लोगों ने सॉर्ट आउट नहीं करी, या किसी चीज के बारे में आपने ठीक से डिस्कस नहीं किया एंड उस चीज को, यू नो, वो कैरी फॉरवर्ड होता चला गया एंड अभी आज के टाइम में आके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है वहां से, ठीक है। सो एटलीस्ट यू नो कि कहां से ये प्रॉब्लम आ रही है। सो जब तक प्रॉब्लम का ही नहीं पता चलता, आपको आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे, है ना, कैसे आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाओगे जब आपको यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। सो जहां आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, प्रॉबेबली वहां पे लैक ऑफ कन्वर्सेशन की वजह से या लैक ऑफ एफर्ट की वजह से, ठीक है, हो सकता है कि एक इंसान जो था वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था अपने रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में, एंड सामने वाला पर्सन उतना, यू नो, इतना उतने सीरियस नहीं थे या उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे इस रिलेशनशिप को फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, सो ये मैसेज है ओरेकल की तरफ से। अभी देख लेते हैं कि टैरो क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। द सन, लियो राशि हो सकती है गाइज आपकी या आपके पार्टनर की। Then what do we have? Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Knight of Wands, फिर से Aries, Leo, Sagittarius. Then we have Ace of Cups. Okay. Cancer, Scorpio, Pisces राशि and we have Knight of Pentacles. कुछ लोगों की राशि यहाँ पे Taurus, Virgo और Capricorn भी हो सकती है, but fiery energy बहुत ज्यादा है, too much fire.
बहुत सारा पैशन है, इमोशनल कनेक्ट भी है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है कि अभी आपके पार्टनर जो हैं वो किसी एक एक्शन के लिए या अपना एफर्ट डालने के लिए इस रिलेशनशिप में दे आर नॉट रेडी, अभी तैयार नहीं है, अभी थोड़ा सा वक्त उनको लगेगा, ठीक है। इस सिचुएशन को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वक्त ले रहे हैं, ठीक है। बट इवन व्हेन दे आर टेकिंग टाइम अवे फ्रॉम दिस यू नो दिस सिचुएशन, अगर ये सेपरेशन भी चल रहा है अगर आपका, या नो कॉन्टैक्ट पीरियड में भी हैं आप लोग, तो भी इमोशनल कनेक्ट जो है वो है कहीं ना कहीं। एस ऑफ कप्स एंड ये इंसान जो है ये बिगनिंग भी चाहते हैं, अगर कहीं आपके रिलेशनशिप में ब्रेक आ गया है, ठीक है, या सेपरेशन हो गया है, उसके बाद भी आपके पर्सन जो है वो न्यू एक शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी होगा भी। कुछ पॉजिटिव साइन आपको आपके पार्टनर की तरफ से जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज द सन का कार्ड हमारे पास आया है, सो इट्स लाइक अ रे ऑफ न्यू होप, ठीक है, आशा की नई किरण उस तरीके से। सो अभी भी होप है काफी हद तक इस रिलेशनशिप में, ये बेटर हो जाएगा। थोड़ा टाइम आपके पार्टनर जो है वो ले रहे हैं अपने यू नो अपने ही अपने माइंड को सेटल करने के लिए, राइट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट देयर करंट एनर्जीज, इनके थॉट्स आपको लेके क्या हैं, हमेशा मैं चेक करती हूँ, ऑलमोस्ट हर रीडिंग में चेक करती हूँ। सो करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है आपके टूवर्ड्स वी हैव, आप मुझे काफ़ी समय से जानते हो, ठीक है, सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ये, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो, आप मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, या फिर किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं अभी, मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, या मैं भुला नहीं पा रही हूँ, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइस। ओके, देन वी हैव मेरे बस में कुछ नहीं है। सो अभी मैंने आपसे कहा कि ये कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, अभी ये टाइम लेंगे थोड़ा सा आपके जो भी पार्टनर हैं, बट स्टिल देर इज अ होप कि रिलेशनशिप आपका बेहतर हो जाएगा आगे कुछ टाइम में, कब तक होगा ये देख लेते हैं। ग्रुप नंबर वन के लिए रिलेशनशिप कब जाके बेटर होगा, कब सुधरेगा, कब सिचुएशन ठीक होगी। ओके, ग्रुप नंबर वन के लिए द फूल गाइस, थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ टाइम ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में आप लोग आ सकते हैं, ठीक है, या कभी बात होगी कभी ब्रेक हो जाएगा। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल, कैप्रिकॉर्न राशि है हमारे पास, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, तो थर्ड पार्टी की भी ये राशि हो सकती है, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आई है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। सो कब तक ये हो सकता है गाइज, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब से लेकर या तो 15 दिन के अंदर आपकी इनसे कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, ठीक है, ये आएंगे जाएंगे कुछ टाइम तक ऐसा चलेगा, प्रॉबेबली 5 दिन या 5 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने हो सकता है, ठीक है, या फिर मई का मंथ आप कंसिडर कर सकते हो, मई तक जाते जाते कुछ चीज़ें आपके बीच में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कंप्लीटली नहीं होंगी लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। मई मई का मंथ गाइस, उसको मैं मैक्सिमम रख के चल रही हूँ, नंबर 5। ओके फाइन, सो एंजल एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए एंजल एडवाइस, अपॉर्चुनिटी से आपको एक मौका मिलेगा, एक चांस आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। रोमांस, लव है, रोमांस है, पैशन है, भले यू नो कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, बट डीप डाउन इमोशंस या फीलिंग्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले आने वाले कुछ हफ्ते में आपको ये मौका मिलने वाला है गाइज, यू कैन कंसिडर 5 वीक्स, 5 हफ्ते आप कंसिडर कर सकते हो, उसके अंदर अंदर आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। ओके, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ या आपके सवाल का जवाब दे पाई हूँ,
सो प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिए, और कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर आऊंगी। एंड लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर टू। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने टेक द लीड का कार्ड सिलेक्ट किया है गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके सो अभी देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की, पहले देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं अभी, क्या है, क्या सिचुएशन है, एनर्जेटिकली आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं ग्रुप नंबर टू के लिए। कन्फ्रंट, देन यू हैव अवेटिंग रिजल्ट्स, डेडिकेटेड एफर्ट, giving and receiving, and we have sacral chakra. Okay, fine. So group number टू, सबसे पहले तो confront, आप दोनों को ही या आप दोनों में से किसी एक को, किसी के लिए भी ये message हो सकता है, अपने आप को confront करने की जरूरत है या एक दूसरे को confront करने की जरूरत है किसी चीज को sort out करने के लिए, right? Awaiting results and dedicated effort is telling me कि आप दोनों ही हैं या अगेन आप दोनों में से कोई एक हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट या बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा इमोशनली इस रिलेशनशिप में खुद को इन्वेस्ट किया है, बट उस हिसाब से यू नो कोई आपको रिजल्ट नहीं मिला है, आप वेट कर रहे हो कि कब आपको जितना आपने किया है इस पर्सन के लिए या जितना आपने यू नो इनको सपोर्ट किया है या जो कुछ भी आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, उसका यू नो पे बैक आपको कब मिलेगा। गिविंग एंड रिसीविंग, हालांकि कोई एक पर्सन है अगेन यहाँ पे जिनको कि ऐसा फील होता है कि दोनों ने इक्वली एक दूसरे के लिए यू नो फीलिंग्स रखी हैं या इक्वल एफर्ट्स रहे हैं, एक पर्सन को कमी लगती है आप दोनों में से और एक पर्सन है जिनको लगता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल यू नो जितना एफर्ट उन्होंने डाला है उतना आपने डाला है, जितना एफर्ट आपने डाला है उतना एफर्ट उन्होंने डाला है इस रिलेशनशिप में, इक्वल इम्पोर्टेंस दी है, इक्वल टाइम दिया है। ओके सो ये चीज मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती हुई नजर आ रही है, दोनों का रिलेशनशिप को देखने का जो नजरिया है वो अलग है, राइट दोनों की अपनी अलग स्टोरीज हैं, वो मिक्स, वो एकदम यू नो वो सेम चीज नहीं आ रही है, कोई किसी तरीके से देख रहा है इस रिलेशनशिप को, दूसरा पर्सन किसी तरीके से देख रहा है इस रिलेशनशिप को। आई गेस यही आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सॉरी। एंड आप दोनों को कुछ यू नो कन्फ्रंट, सो एक दूसरे को प्रॉबेबली कन्फ्रंट करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, एंड आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, राइट? ओके ऑल राइट, सो देख लेते हैं अभी आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं क्या है ग्रुप नंबर टू के लिए। द एम्परर, देन वी हैव जजमेंट, कोई फैसला लेने के बारे में ये सोच रहे हैं। द हायरोफेंट, थ्री मेजर अरकानास गाइस। देन वी हैव द टावर, ओके फोर मेजर अरकानास, एंड वी हैव टेन ऑफ सॉर्ड्स। इनको बिट्रेड फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनकी पीठ में छुरा भोंक दिया है या इनको चीट कर दिया है, राइट? एंड टावर, सो इनकी ऊपर जैसे बिजली गिर गई है एक तरीके से, राइट? थंडर कुछ डिसीजन इनको लेना है बट ये सोच रहे हैं लेना चाहिए ये डिसीजन या नहीं लेना चाहिए। पास्ट बहुत बुरा रह चुका है, पास्ट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, सो फ्यूचर क्या होगा, क्यों ना अकेले रहा जाए, क्यों ना यू नो अकेले ही टाइम स्पेंड किया जाए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके माइंड में काफी सारे थॉट्स आ रहे हैं एंड अल्टीमेटली जो एक जिस पॉइंट पर इनकी सोच आके रुकती है वो एकदम ब्लैंक होता है, कोई जवाब नहीं होता है इनके पास, अपने खुद के लिए भी कोई जवाब नहीं होता है बिकॉज ये सिर्फ चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। ओके ये कोशिश कर रहे हैं ये इंसान समझने की लेकिन कुछ भी इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है अपने थॉट्स को लेके या अपनी करंट, आपकी और इनकी करंट सिचुएशन को लेके,
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें अभी ईगो या गुस्सा भी है किसी बात को लेके, पास्ट की किसी चीज को लेके एंगर है, या कहते हैं ना कि कुछ लोग थोड़े डोंट माइंड माई वर्ड, जो कि अकड़ू टाइप के, थोड़े से अकड़ू उस टाइप का इनका बिहेवियर मुझे यहाँ पे लग रहा है। छोटी सी कोई बात भी होगी तो इनको बहुत बुरा लग जाएगा। स्पेशली इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनसे बात करोगे और उसमें ज़रा सा भी कुछ आपने इधर से उधर कुछ बोल दिया तो वो बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। ऑल राइट, सो ये इंसान बैठ के एटलीस्ट ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को शांत करने की एंड अपने आप को हील करने की, बट ही और शी जो भी हैं, इनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है जल्दी। कुछ कुछ इनके सामने कोई चॉइस आने वाली है या आ चुकी है ऑलरेडी, उस चीज़ से रिलेटेड कुछ इनको डिसीजन लेना है। सो इनके थॉट्स भी देख लेते हैं आपको लेके, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, इनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। ग्रुप नंबर टू, ओके वी गॉट, काश आप यहाँ होते। ओके सो जो लोग सेपरेशन में हैं या मिले नहीं हैं बहुत टाइम से, इनके माइंड में ये थॉट आ रहा है जल्दी वापस आऊँगा या जल्दी वापस आऊँगी, जो भी हैं। ठीक है, आई रीड अवर चैट्स अगेन एंड अगेन, मैसेजेस आपके ये पढ़ते हैं बार बार, स्पेशली अगर बहुत टाइम से कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई है तो मैसेजेस पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू एंड प्लीज़ मेरा वेट करो। सो मिलना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि जब तक कि ये चीज़ों को समझ नहीं लेते या अपने माइंड में ही अपनी उलझनों को ये सुलझा नहीं लेते, तब तक आप एटलीस्ट मूव ऑन ना करें या आप वेट करें, बिकॉज ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं आपकी लाइफ में, सब कुछ नॉर्मलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। मिले नहीं अगर आप लोग पर्सनली काफ़ी टाइम से, तो मिलने के बारे में भी कुछ थॉट है इनके माइंड में। दे रियली वॉन्ट टू मीट यू, वॉन्ट टू सी यू। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं इनके दिमाग में चल रही हैं या इनके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में कभी कुछ ना कुछ ऐसा थॉट इनके माइंड में अभी रिसेंटली आया है। ओके ऑल राइट, सो कब तक ये रिलेशनशिप ग्रुप नंबर टू के लिए सुधरेगा, अब से लेकर कितना टाइम लग सकता है गाइस? लवर्स जेमिनाई, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी है इनकी लाइफ में, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो कुछ लोगों की राशि जो है वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई काफी लोगों की राशि हो सकती है बिकॉज मेजर अरकाना है, एंड आपका जो है टेन ऑफ वॉन्ड्स इज एरीज लियो सेजिटेरियस फायर साइंस। सो कब तक ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं गाइज? मुझे इंट्यूटिवली जो यहाँ पे फील हो रहा है, हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज आई हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैक्सिमम लोगों के लिए जिन्होंने ग्रुप नंबर टू सिलेक्ट किया है गाइज, आपके पर्सन जो हैं वो जून या जुलाई तक आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। ठीक है यार, ये जो जो कुछ भी चल रहा है ये जून या जुलाई के मंथ तक मैक्सिमम बता रही हूँ मैं गाइज, यहाँ पे जो कंसिडर कर सकते हो आप, मैक्सिमम जुलाई तक ये सब कुछ जो है आपके सामने सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, कम्प्लीटली सॉर्ट आउट होगा या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती हूँ, ना ही टैरो दे सकता है, लेकिन काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में डिस्कशंस हो चुके होंगे, राइट? हो सकता है कि अगर आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं तो फैमिलीज भी मिलके कुछ डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग बैठ के यहाँ पे बात करने वाले हैं और बहुत कुछ आप लोग सॉर्ट आउट करने वाले हो, लाइक 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड। ओके ऑल राइट, ग्रुप नंबर टू, एंजल एडवाइस क्या है आपके लिए? एंजल एडवाइस, ग्रुप नंबर टू के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके आने वाले कुछ हफ्ते में फॉरगिवनेस, ये पर्सन आपसे माफी मांगने आपकी लाइफ में आ सकते हैं वापस, अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो तो इनके माइंड में क्लैरिटी आ सकती है। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, एंजल्स की तरफ से गाइज आपके लिए मैसेज है कि जब भी आपकी इनसे बात होती है, जब भी आपको मौका मिलता है आप आपके पर्सन से बात करने का, आपके पार्टनर से बात करने का, आप क्लियरली उनसे बात करें,
सो दैट उनके माइंड में भी जो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं वो भी थोड़े से यू नो सेटल डाउन हो जाए, एंड आप भी अगर परेशान चल रहे हो तो आप लोग मिल के इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो. फॉरगिवनेस इज़ दी मेन की. ओके, अगर आप पास्ट की प्रॉब्लम्स को, पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट में भी गिनते रहोगे, उनको यू नो पोक करते रहोगे, ताने देते रहोगे, देन ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेगा, राइट? आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी ही बिल्डअप होगी. सो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सच में यू नो इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन फॉरगिव तो आपको करना ही पड़ेगा. एंड अगर आपके तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, देन मैसेज उनकी उनके लिए भी हो सकता है कि हो सकता है कि उन्हें आपको फॉरगिव करना पड़े. दोनों तरफ से हो सकता है गाइज. ओके, ग्रुप नंबर टू, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ या हेल्प कर पाई हूँ आपकी, या अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब. अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे. एंड कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं पिकअप आयल रीडिंग के लिए तो प्लीज उसको लिख दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए. एंड अगर आप चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फ्री गाइज, पर्सनल रीडिंग्स आर पेड. ओके, दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर थ्री. हेलो, नमस्ते ग्रुप नंबर थ्री. जिन्होंने ब्लॉसम का कार्ड सिलेक्ट किया है गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. पहले देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो ये रिलेशनशिप है ये एनर्जेटिक लेवल पर कहाँ स्टैंड करता है. ओके, सो यू हैव मास्टर, नर्चर, देन वी हैव वेल डिजर्व रिवॉर्ड. जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है जिनकी इस रिलेशनशिप में, वो काफी यू नो इंट्रोवर्ट हैं, बहुत जल्दी से लोगों से बातचीत नहीं करते हैं या अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के साथ भी बहुत इजीली शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और जो फेमिनिन है यहाँ पे वो एक्स्ट्रोवर्ट है, एक्सप्रेसिव है. ऑलराइट, देन वी हैव एम्ब्रेस एंड फाइंड बैलेंस. तो इन सब चीजों के बीच में आपको बैलेंस ढूंढना है, राइट? कोई एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, और एक पर्सन है जो बिल्कुल खुल के बात नहीं करते, कुछ भी डिस्कस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखते हैं, ठीक है? और थोड़े कंट्रोलिंग भी हैं नेचर के, राइट? दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा आजादी से, बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं, और यू नो अपना स्पेस भी चाहिए उनको, रिलेशनशिप में वैल्यू भी चाहिए. और बेसिकली ये जो पर्सन है, जो फेमिनिन है जिनकी एनर्जी, वो इस रिलेशनशिप को काफ़ी कुछ देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ग्रो करवाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. एंड जो कुछ भी टाइम आप लोग साथ में स्पेंड करते हो, जो कुछ भी मोमेंट्स आप लोग साथ में स्पेंड करते हो, उसको ज़्यादा खुल के जो ये फेमिनिन एनर्जी है जिनकी, वो ज़्यादा यू नो उसको एम्ब्रेस कर पाते हैं, उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, उसको इंजॉय कर पाते हैं. दूसरा जो पर्सन है जो जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो इस रिलेशनशिप को एक यू नो एक रिवॉर्ड की तरह देखते हैं, एक गिफ्ट की तरह देखते हैं, जो कि उन्होंने शायद अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स में. तो उनको ये रिलेशनशिप जो है अपना, ये एक रिवॉर्ड की तरह लगता है, राइट? सो वो उसी मोमेंट में रहते हैं ज़्यादा, कि यस आई ओन दिस पर्सन या आई ओन दिस रिलेशनशिप, ठीक है? जैसे कि अथॉरिटेटिव हैं, थोड़े डोमिनेटिंग हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं. इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आपको अपने रिलेशनशिप को एक बैलेंस में लेकर आना है. दिस इज़ द गाइडिंग मैसेज यहाँ पे जो ओरेकल की तरफ से आया है. प्रैक्टिकलिटी है एक तरफ बहुत ज़्यादा, और एक तरफ इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, राइट? एक तरफ मुझे ऐसा फील होता है कि आपका जो कनेक्शन है, आप या तो एयर साइन के हैं या फिर आप अर्थ साइन हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है. आपके पार्टनर जो है वो अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और आपकी राशि हो सकती है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और आपकी राशि हो सकती है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. ओके, सो ओरेकल से तो हमको ये मैसेज मिला है. अभी देख लेते हैं कि
ग्रुप नंबर थ्री, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं अभी इस टाइम पे, क्या चल रहा है उनके माइंड में और उनकी लाइफ में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन गाइस, आई जस्ट टोल्ड यू द वर्ल्ड। ओके ऑल राइट, व्हाट डू वी हैव हियर? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। थॉट्स बहुत सारे हैं, पैशन भी है, लेकिन अभी शायद डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए इतना कुछ नहीं है, जो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है ये। ठीक है, जो मैस्कुलिन मैंने आपको एस्पेक्ट अभी बताया था, ओरेकल में एक्सप्लेन किया था, वो आपके पार्टनर की उनकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, बोलने को बहुत कुछ है, माइंड में बहुत कुछ है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, आपकी जो वाइब्स हैं, आपकी जो एनर्जी है, आप शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, या आप चाहते हैं सामने वाला पर्सन भी आप ही की तरह खुल के सब कुछ डिस्कस कर सके। ये इंसान अभी भी अपने माइंड में है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ रही है, एक न्यू साइकिल या नया फेज इनकी लाइफ में कुछ शुरू हो रहा है, जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं, राइट। लेकिन आपके साथ डिस्कस करने के लिए या जनरली लोगों से बात करने के लिए अभी इनके पास या तो वक्त नहीं है, या फिर इनको लगता है कि अभी मैं इस फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा हूं, या इस जगह पर नहीं पहुंचा हूं, या पहुंची हूं कि कंप्लीटली सब कुछ मैं शेयर कर सकूं, राइट। कुछ अचीव करना रहता है, किसी एक स्टेज तक पहुंचना अभी बाकी है इनके थॉट्स में, और इमोशनली भी एक जर्नी चल रही है, एक एक सफ़र है इनका जो कि अभी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर ये स्पिरिचुअली अवेकन है, देन आई बिलीव कि इनको इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर होगा, और नहीं भी है तो भी ये पर्सन इन सब चीज़ों से होकर गुजर रहे हैं। काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं अभी रिसेंटली, कुछ नया इनकी लाइफ में शुरू हुआ है या इन्होंने खुद शुरू किया है। ओके ऑल राइट, ऑल राइट गाइज, लियो राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे इतना नहीं दिख रहा है। ओके, इनके थॉट्स चेक कर लेते हैं, आपको लेके ये क्या फील करते हैं, या रिसेंटली अगर आपके बारे में कोई ख्याल इनके माइंड में आया है तो वो क्या है। आई स्टिल हैव होप बट आई एम स्केयर्ड, उम्मीद है अभी भी कि रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन डर है किसी बात का। व्हाट इज इट? आई मिस यू, मिस करते हैं, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। अगर इनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है देन ऑफ कोर्स इनको मन ही मन उस चीज का रियलाइजेशन है। आप मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो, इनका फोकस अभी कहीं और है, किसी और चीज़ के ऊपर हो सकता है, काम हो सकता है स्टडी हो, कुछ भी, प्लानिंग टू गेट मैरिड, शादी से रिलेटेड कोई थॉट है इनके माइंड में। दो कार्ड्स मैं यहाँ पे और पिक करूँगी, ग्रुप नंबर थ्री, ग्रुप नंबर थ्री के लिए हर चीज़ मुझे आपकी याद दिलाती है। तो ये मिस आपको करते हैं, लेकिन हो सकता है कि गाइज इनकी लाइफ में अभी कोई और पर्सन है या कोई और सिचुएशन चल रही है, राइट। मैंने आपसे कहा था कुछ नया शुरू हुआ है, कोई जर्नी चल रही है, कोई एक पुराना फेज खत्म हुआ है, नया फेज शुरू हुआ है, राइट। उस चीज के ऊपर फोकस है। आई लव यू, इमोशनल कनेक्ट डेफिनेटली है, लव डेफिनेटली है, राइट। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइज कि इन्होंने अभी रिसेंटली आपकी कोई पिक्चर देखी है अपने फोन में या लैपटॉप में, या कहीं ऐसे आपकी कोई इनकी इन्होंने कोई फोटो देखी है आपकी अभी रिसेंटली, एंड इनकी फीलिंग्स आपकी फोटो को देख के थोड़ी सी ट्रिगर हुई हैं। ओके, अभी रिसेंटली हुआ है, ऐसा हो सकता है कि इसी वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि इस वक्त हुआ हो सकता है कि रिसेंटली ऐसा हुआ है, एक दिन के अंदर शायद। यस ओके, सो टैरो से पूछ लेते हैं कि भाई ये रिलेशनशिप कब तक बेहतर होगा, कब तक आपको अपनी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ग्रुप नंबर थ्री, द डेविल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द सन गाइज,
द सन दो बार आया है, काफी लोगों की राशि यहाँ पे लियो हो सकती है, द एम्प्रेस एंड वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके सो गाइस, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 3 वीक्स फ्रॉम नाउ, और हो सकता है 3 दिन के अंदर भी हो सकता है, 3 घंटों के अंदर भी हो सकता है गाइस। आपके लिए जो आंसर है कब तक रिलेशनशिप सुधरेगा, 3। तो मैक्सिमम जो आप कंसिडर कर सकते हो वो आप मार्च का महीना कंसिडर कर सकते हो, या फिर जब से लेकर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो अब से लेकर मैक्सिमम 3 मंथ्स आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये पर्सन आएंगे वापस आपकी लाइफ में, अभी थोड़ा सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। पैशन बहुत है, इमोशनली तो अट्रैक्टेड हैं ही आपकी तरफ, सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, राइट। अभी भी जो मेन एक पार्टनर होता है, राइट, वो जगह अभी भी आप ही की है इनकी लाइफ में। बट इनको पास्ट को लेके थोड़ा नेगेटिविटी भी फील हो रही है, बिट्रेड फील हो रहा है, मे बी जिस तरीके से इन्होंने सोचा था कि ये रिलेशनशिप चलेगा वैसा नहीं हुआ। इनके प्लान्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें जो थी वो वर्कआउट नहीं हुई, एंड अब जाके इनको इनके सारे जो थॉट्स हैं वो एकदम जम्बल्ड अप हो गए हैं। सो ही इज़ वे ही और शी जो भी हैं, दे आर वेटिंग कि कब एक फाइनल उनको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। बट दिस पर्सन विल कम बैक, और ये सिचुएशन जो है आपके लाइफ में, इसमें बेटरमेंट भी आएगा। अगर कांटेक्ट में भी हैं आप लोग तो भी मैक्सिमम आप अब से 3 मंथ्स लेके चलिए, काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट जो है वो हो चुकी होंगी। ओके, ग्रुप नंबर 3, एंजल एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एंजल एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 3। रिकवरी, सी बेटरमेंट होगी डेफिनेटली, परफेक्ट टाइमिंग पर होगी, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर होगी। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते रहोगे, बहुत ज्यादा टेंशन लोगे, तो आप अपना ऑरा और ज्यादा नेगेटिव कर लोगे गाइज। सो टेंशन नहीं लेनी है, एंजल्स तो आपको कंफर्म कर ही रहे हैं यहाँ पे, रिकवरी होगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अब आपकी अंतरात्मा, आपका अंतर्मन आपसे क्या कहता है, राइट। अगर आपको अभी रिसेंटली कोई डिसीजन लेना है तो अपने इंट्यूशन की बात सुनिए, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो भी आपको अपने अपने अंतर मन से, अपनी अंतरात्मा से आपको बात करनी है, एंड परफेक्ट टाइमिंग पर रिकवरी होगी, ठीक है। रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा आपका, अभी जैसी है सिचुएशन उससे काफ़ी बेटर हो चुकी होगी, बिकॉज द सन कार्ड आपके लिए गाइस 2 बार आया है, सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज़। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 3 गाइस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ या आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल बटन भी दबा दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई रीडिंग अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हों उस टॉपिक पर वो रीडिंग देखने में तो आप देख सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।